प्रिय विद्यार्थियों, एमपी सेंसिया में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से जो बोर्ड एग्जाम हुआ है साइंस का, तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है और हम लोग को टिपिकल जो है 80 में 40 करने हैं, तो 40 या 50 क्वेश्चन काफ़ी इजी हैं। ऐसे सभी क्वेश्चन जो है काफ़ी सिंपल हैं, तो आइए देर न करते हुए चालू करते हैं। आपका कितना सही हुआ आप कमेंट कर बताइएगा कि कितना आपने सही किया है। तो सबसे पहला प्रश्न है कि सेल का विद्युतवाहक बल है, तो सेल का विद्युतवाहक बल कहते हैं सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। सी ऑप्शन स्टूडेंट जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा में है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है उसमें ऊर्जा का प्रवाह जो होता है एक दिशीय होता है, क्योंकि सूर्य से चली हुई ऊर्जा पृथ्वी पर आती है, पेड़ पौधा में आता है, फिर वापस लौट के नहीं जाता है। आवेश का एसआई मात्रक है, तो आवेश का जो एसआई मात्रक है वो कूलम्ब होता है। बी ऑप्शन इज राइट। दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है, तो दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है, तो सौर ऊर्जा जो है वो नाभिकीय ऊर्जा जो होता है व्युत्पन्न इसका नहीं है। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। आपका कितना सही हुआ स्टूडेंट्स आप जो है मिला करके बताइए, आज आप बहुत ही खुश होंगे। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया, तो देखिए ओस्टेड ने किया था, क्वेश्चन वैज्ञानिक ने खोज किया था, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है, तो उत्तल दर्पण की होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है, तो Na पे प्लस हो जाता है और Cl पे माइनस हो जाता है, यानी कि धनावेश एवं ऋण आवेश दोनों की विपरीत दिशा में गतियों के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है, बायोमैग्निफिकेशन, तो DDT रासायनिक जो है हानिकारक रसायन उसका मात्रा बढ़ना होता है। रंध्र का मुख्य कार्य क्या है, तो रंध्र का मुख्य कार्य होता है कि गैसों का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वायुमंडल में ना कितना क्वेश्चन पूछा है आसान, CO2 का प्रतिशत क्या है, कोई भी बता देगा, 0.03% है। अगला प्रश्न है कि पौधा के उत्सर्जी पदार्थ हैं टैनिन, गोंद, रेजिन, इनमें से सभी, तो सभी उत्सर्जी पदार्थ है पौधा का। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो हीमोडायलिसिस कहलाती है। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स। निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है, तो गुरुत्वानुवर्तन जो होता है जड़ की वृद्धि होता है अंधकार की ओर उसको कहते हैं, और तना जो है ऊपरी ओर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है, तो पूर्ण विकसित अंडाशय जो है वो फल कहलाता है। ए ऑप्शन सही है। लैंगिक जनन संचारित रोग है, तो एड्स HIV से फैलता है और लैंगिक जनन संचारित रोग है। किस pH मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारकीय होगा, तो जिसका pH मान सबसे अधिक होगा वहीं ज़्यादा क्षारकीय होगा, तो pH मान 11 हो गया। चूना जल का रासायनिक नाम क्या है, तो चूना जल का रासायनिक नाम जो है कैल्शियम ऑक्साइड होता है, बिल्कुल ये सब बताया गया है स्टूडेंट्स। सोडा एस का सूत्र क्या होता है, तो सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं सोडा एस। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से ग्लोबर लवण का सूत्र कौन होता है, तो जो ग्लोबर लवण है तो सोडियम सल्फेट के साथ जब 10 अनुजल रहता है तो उसी को हम कहते हैं ग्लोबर लवण। निम्नलिखित में से संश्लेषित सूचक कौन है, तो देखिए मेथिल ऑरेंज ये लैब में बनाते हैं, हल्दी इलायची का पत्ता और लिटमस पत्र ये जो होता है ना, तो ये तीनों जो है ना ये प्राकृतिक सूचक है, और मेथिल ऑरेंज जो होता है वो संश्लेषित है, लैब में बनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, तो मोमबत्ती, मीथेन गैस और क्रियोसिन, ये सभी ज्वाला उत्पन्न करते हैं, लेकिन कोयला जो है ज्वाला उत्पन्न नहीं करता है। डी ऑप्शन जो है एकदम सही है। उपचयन में से क्या होता है, तो देखिए उपचयन जो होता है ना उसमें ऑक्सीजन जुटता है, यानी कि हाइड्रोजन हटता है और ऑक्सीजन का योग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इनमें से सभी, तो सभी ऑप्शन से हो जाएगा। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो जल जो होता है H2O होता है, तो H पर प्लस हो जाएगा, O पर माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस वाला जो है वह जो जाएगा प्लस पर, और ये तो यानी कि जाता है किस पर, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जो है वो जाता है कैथोड पर, मैंने माइनस पर जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पराग कोष में पाया जाता है,
देखिए पराग कोष जो होता है वो नर भाग है फूल का, इसमें जो होता है पराग कण पाए जाते हैं, तो बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप कमेंट कर बताइए कि कितना आपका सही है। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, तो ऑक्सिन, एथिलीन, साइटोकाइनिन है और ऑक्सीटोसिन जो है वो नहीं है। ठीक है, लैंगिक जनन की विधि है बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन, इनमें से सभी, तो अलैंगिक जनन की विधि, तो अलैंगिक जनन है इनमें से सभी है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था, देख रहे हैं ना कितना आसान पूछा हुआ है, मटर का पौधा का चयन किया था। निम्नलिखित में से किनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, तो जीव विज्ञान का पिता बोलते हैं किसको, अरस्तु को बोलते हैं जीव विज्ञान का पिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्र कितना होता है, टोटल होता है 46, इसमें से दो जोड़ा जो होता है लिंग, यानी कि लिंग एक जोड़ा, यानी कि लिंग गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो होता है 2। प्रकाश अभिक्रिया होती है कहाँ होती है, तो क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में होता है और डार्क निरीक्षण होता है एस्ट्रोमा में। गुर्दे की उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से कहाँ पर संचित रहती है, कहाँ रहता है, जमा होता है, बताना है 32 में। तो देखिए जो मूत्राशय है ना यूरिनरी ब्लैडर, उसी में जमा रहता है। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। सघन माध्यम से विरल माध्यम के गमन करने पर आपतन कोण आई बराबर नहीं है 0 के और अपवर्तन कोण आर में क्या संबंध होता है, तो देखिए जब सघन से विरल अभिलंब से दूर जाता है तो ये मान ज़्यादा होगा, आई का मान और आर का मान कम होगा, तो ये ऐसा किसमें विकल्प है, ये आई बड़ा है आर, ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक ना, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है, तो सभी दूरी जो होता है निर्देशांक परिपाटी में जो दर्पण है तो उसमें सभी ध्रुव से मापा जाता है, पी से मापा जाता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस धातु से सोलर सेल बनता है, तो सिलिकॉन जो होता है ना उससे सोलर सेल बनता है। किस धातु से, हालांकि सिलिकॉन जो है अधातु है, हालांकि इसी का यूज होता है, आप लोग इसको मिलाकर कमेंट कीजिए। अब एक लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है, तो लघु पतन जो होता है ना उसमें प्रतिरोध जो होता है ना बहुत ही कम होता है और धारा का मान बढ़ जाता है, तार जल जाता है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 100 वाट 220 वोल्ट के एक बल्ब के आड़े 100 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर प्रवाहित विद्युत धारा कितना होगा, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, 220 में से आप 220 में से 100 वोल्ट घटा लेंगे तो हो जाएगा 110 वोल्ट, और पी बराबर होता है वी आई, आपको निकालना है आई, तो आई बराबर पी बटा वी हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 बटा में 110, तो 100 बटा में जब 120 ना जी, यहाँ पर 120, यहाँ पर 120 बचेगा, 120 हो जाएगा, तो हो जाएगा 5/6, तो 5/6 कोई भी नहीं दिया हुआ है, तो डी होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत बल्ब का फिलामेंट का द्रव्य होता है, तो फिलामेंट जो होता है ना टंगस्टन का बना होता है। प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्ध्य है, तो न्यूनतम तरंग दैर्ध्य जो होता है ना वो 40-44 मतलब कि 400 से 440 होता है इसका, ठीक है, तो औसत नहीं है, इसलिए इसमें जो है ए ऑप्शन को ही हम फॉलो करेंगे। ऐसे आप कमेंट कीजिएगा इसमें देख करके कि वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है, तो वैद्युत प्रतिरोध के कारण जो होता है वो ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न होता है, सी ऑप्शन सही है। ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेवार रक्त का घटक कौन है, तो देखिए RBC होता है ना यही ऑक्सीजन को ले जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर। कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है ये बतलाना है, तो देखिए अपेंडिक्स इससे हो जाता है, यही जो है अपेंडिक्स ये आहार नल का भाग होता है, ठीक ना, बड़ी आंत जो होता है उसी का पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग की सलाह दी जाती है, तो जो घेंघा बीमारी है उससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का सलाह दिया जाता है कि भाई उसका यूज करो। मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, 12, 31, 24 कितना होगा, तो 12 जोड़ी जो है कपाल कोशिकाओं की संख्या होती है, ये सही है। मस्तिष्क में कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र होता है, तो गंध पहचानने के लिए अग्र मस्तिष्क सेरिब्रम जो होता है वो जिम्मेवार होता है। प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाता है, तो मेनार्चे उसको कहते हैं, प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होने को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
इसमें से कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है? कलम लगाना, दाब कलम, कलम बंधन, इनमें सभी, तो ये सभी है जो है कायिक प्रवर्धन का एक हिस्सा है। कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक है। 49 का हो जाएगा ये ग्रेफाइट, बी ऑप्शन। सक्रियता श्रेणी में निम्न में से कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील होता है? तो सबसे अधिक क्रियाशील होता है पोटेशियम, लेकिन ऑप्शन में यह सोडियम है, तो उसके बाद सोडियम होता है, सोडियम को मार देंगे। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का, ये तो सब लोग जानते हैं। निम्न में से किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन, सोडियम जो है उसको किरोसिन में डुबा कर रखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल के जलीय विलयन में निम्न में से कौन उत्पन्न होता है? तो H प्लस देता है हाइड्रोनियम आयन, H प्लस जो है वो आयन मिलता है। कौन सबसे सबल अम्ल है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है सबसे सबल होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल जो है उसका पीएच मान जो होता है 7, 7 सही है। कौन सा पदार्थ जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? तो अम्ल जो होता है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 cm है, तो यह गोली दर्पण किस प्रकार का है? तो उत्तल है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों कोई नहीं, तो काल्पनिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्पण सूत्र कौन सा है? तो दर्पण सूत्र 1/a = V/u, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है तो प्लस 1 होता है। किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बन सकता है? समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से सभी, तो सभी से बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का, आकाश का नीला रंग तो प्रकीर्णन के कारण होता है। विरल माध्यम से सघन माध्यम जाती हुई किरण मूर्ति है, किधर मूर्ति है? तो वो मूर्ति अभिलंब की ओर मूर्ति है। विरल माध्यम से सघन माध्यम है ना जी, तो विरल से सघन हो जाएगा तो अभिलंब की ओर सही है। अगला क्वेश्चन है कि किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की होती है, बहुत बार पूछ दिया है। धोबिया सोडा का सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 × 10H2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन अधातु है? तो फास्फोरस जो होता है वो अधातु होता है। कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है? तो कैल्शियम का 20 होता है। मेंडलिव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? तो 8 होता है। ऐसा शून्य वर्ग लेकिन 9 होता है, ठीक है ना, लेकिन 8 ही पट्टी करेंगे। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जिप्सम का होता है CaSO4 × 2H2O को जिप्सम बोलते हैं। बोरोन का परमाणु भार क्या है? तो बोरोन बी, बोरोन ये होता है 11 होता है, 10.8 है, लगभग 11 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैलेमाइन किस धातु का अयस्क है? तो कैलेमाइन जस्ता का होता है। अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है? तो 1:3, 1:3 हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। पेंटेन जिसका अणुसूत्र C5H12 है, कितने संरचना समावेशी संभव है? तो पेंटेन नॉर्मल पेंटेन, आइसो पेंटेन होता है ना, उसको ये बनाएंगे तो 3 गो है इसका हो जाएगा। कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है? तो 2.44 यानी कि 14 का होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। घेंघा रोग पनपता है तो आयोडीन की कमी से पनपता है। अगला प्रश्न है कि रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं, तो पत्तियों पर, रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों पर पाए जाते हैं। रक्तचाप मापने के उपकरण कहते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर कहते हैं। पराग कोष में पाए जाते हैं तो पराग कण पाए जाते हैं, दो दो बार पूछ दिया है। लसिका का रंग होता है तो हल्का पीला होता है। निम्नलिखित से कौन एक जैव अनिम्नकणीय पदार्थ है? तो DDT जो होता है जैव अनिम्नकणीय पदार्थ है। तो स्टूडेंट्स यही क्वेश्चन था, थैंक यू वेरी मच, आज तक इतना ही।